ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। आपको पता होगा एक हफ्ते पहले मैंने घोषणा की थी, और वो घोषणा तब की थी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के पास कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। लोग परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में, और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 का की दलाली ली है बाई चेक, वो आप उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बना। मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था, और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी। लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा, और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी। जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन ऑप्शन लेने का मूड में है, तो मैंने कहा काय के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था, और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी, वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5ों के अपने कॉकस है, 5ों की अपनी लॉबी है, और 5ों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए, और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई, वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है। पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है।
तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैचारिक स्तर पर आप देख लें, मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग इसको कितना दिखाना चाहेंगे, कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म में कोई, लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, वो सर्वधर्म संभावता सभी को साथ में लेकर चलते। लेकिन उसको एडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है, वो विचारधारा चलती रही। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में एक लीड ली, इस देश के तमाम लोगों के बीच वो जो विचारधारा थी नस नस में चली गई। बाद में नेहरू जी ने टेक ओवर किया, लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री, और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के नसों में चला गया। तो एक भूमिका होती थी कि नहीं ये गलत है ये सही है, धर्म का जो आग्रह है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जैसे सारी विचारधाराओं का एक टाइम लिमिट होता है या उसकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो विचारधारा मर जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है, रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म होती है। और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेके चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं, वो खुद ही खत्म हो चुके। परसों मैं एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे, धर्म का विरोध करते थे तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था, और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हो ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था, उस आस्था को ही नकार दिया। बाद में बड़ी फजीहत हुई और उसके बाद 3-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके ऊपर जवाब देते रहे। यह लेफ्टिस्ट अप्रोच था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था, यह कम्युनिस्टों का प्रभाव था कांग्रेस। आज हालात यह है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाने जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं, ये जो झगड़ा रखते हैं। लेकिन यहां पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था उसने कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था, और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान,
जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है? और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं वहां। विशेष आग्रह रखिए, मुंबई में क्या हुआ, 6 में से 5 सीटें दे दी गई, इसका मैंने विरोध किया। ये विरोध करना कुछ गलत है? मैं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये मैं सच बोल रहा हूं। और इस सच के लिए सजा ये दे रहे हैं कि आप संजय निरुपम को निकाल रहे हैं पार्टी से। अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मुझे यह भी पता है कि जब मैंने खिचड़ी चोर का मुद्दा शुरू किया और शिवसेना पर जोरदार हमला किया तो जो बच्चे खुची सेना के प्रमुख हैं उन्होंने जोरदार दबाव डाला दिल्ली में कि अब तो संजय निरुपम को निकालिए आप। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल दें, ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में? यह एक बड़ा प्रश्न है और जिसका जवाब मेरे पास है, आगे भविष्य नहीं है। मेरे पास सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं, साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में कुछ कुछ पॉकेट्स रहेंगे, जैसे ब्रिटेन में जाएंगे तो लिबडेम पार्टी है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके भी 2-4 MP चुन के आते रहते हैं। यहां पर भी कम्युनिस्टों के कुछ MP चुन के आते रहते हैं, वैसे 2-4, 5, 10, 12, 25, 50 ऐसे MP चुन के आते रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी नहीं रही। उनके आचरण से, उनके कर्मों से, उनके एक्शन से, उनके कदमों से ये बात स्थापित होता है। सिर्फ मैं निकाला गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक भयंकर असंतोष है उनके अंदर, क्षोभ है उनके अंदर, उसकी वजह से यह कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां पे हैं, पता नहीं उनमें से कौन कब छोड़ के निकल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व दिया गया है, वो कब तक कांग्रेस में, इसकी गारंटी वो भी नहीं दे सकते। और आज जब ऐसी पार्टी जिसका पूरा गांव उजड़ गया है, उसके प्रधान के अंदर आप एक अहंकार देखो, भयंकर अहंकार है आज भी उजड़े हुए गांव के प्रधान का अहंकार। जब मैंने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की तो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि मी आला आमी आला भीख पन घालत नहीं, मतलब हम इसको भीख भी नहीं देते, इसको जाना है जाओ, वी डोंट केयर। कहां से लाते हैं इतना अहंकार है लोग? कुछ पता है आने वाले 4 जून को जो फैसला होगा तो क्या होगा? नीचे की जमीन पूरी खत्म हो गई है। दुष्यंत कुमार लिखे थे कि नीचे जमीन नहीं और उनको यकीन नहीं है। तो ऐसे अहंकारी लोगों की पार्टी जिनका सब कुछ लुट पिट गया है, वो हाल है कांग्रेस पार्टी का। अब अलायंस हुआ, शिवसेना कितनी बिखरी हुई है, टूटी फूटी पार्टी है, साफ दिख रहा है का मर्जर हुआ। अब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग कंपनियों का मर्जर होता है तो उसके बाद जो कंपनी बनती है वो भी लॉस मेकिंग होती है। पहले BIFR में होते थे, अब NCLT में जा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये शरद पवार की पार्टी क्या, हमने भूषण स्टील है, शिवसेना क्या है, वो सेंट्रल मुंबई का जो बंद पड़ा टेक्सटाइल मिल है, मिल की बिल्डिंग खंडहर के तौर पर पड़ी है, मिल के नीचे पुराने मशीन भी पड़े हैं, बेचारे कपड़ा मिल के मजदूर भी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? बिहार के चीनी मिल की तरह है, गौरवपूर्ण अतीत है। बिहार में जाएंगे, छपरा में जाएंगे, सारण में जाएंगे, सोनपुर में जाएंगे, लोग बोलेंगे कि जबरदस्त यहां पे सुगर मिल हुआ करता,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खंडहर हो चुका है। तो एक खंडहर हो चुकी पार्टी, एक खंडहर हो चुका मिल, बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मिल और भूषण स्टील की तरह एनसीएलटी में बिका हुआ एक एक तीसरी पार्टी। तो ऐसी तीन पार्टियों के सम्मेलन की वजह से, और तीन पार्टियों के हालत क्या होता है, जब जब एक एक कंपनी जब बंद होती है ना तो छीना झपटी चलती, जिसको जो मिलता है वही बेच के उसको मोनेटाइज करता रहता है। जब एक कंपनी जब बंद होने सिक हो जाती है तो उसमें से कोई पार्ट बेचता है, कोई जमीन बेचता है, बिल्कुल उस तरह के हालात हैं। और ऐसे में एमबीए एक बहुत ही कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है इस समय यहाँ पे, क्योंकि उनके पास सही फैसला लेने का कोई भी समझ नहीं, कोई भी जानकारी। अभी खरवास का महीना चल रहा है, कुछ मत पूछिए, अभी कोई शुभ नहीं होने वाला। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। क्या समझिए, और जो लोग ये समझ रहे होंगे कि अब संजय निरुपम की ओबिचुरी लिख दी जाए, उनको 4 जून को बड़ी भारी निराशा हो सकती है। मैं आज ही उनको सावधान कर देना चाहता हूं। रह गई बात हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बहुत दिनों से हल्ला है कि संजय निरुपम नाराज है, आ सकते जा सके छोड़ सकते जा, तो पापा है जो घर से बाहर नहीं निकलता, लोगों के बीच नहीं जाता। ऐसे जंग लगे हुए नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जिले में दबाव डाला, तुम जाओ मत, ये करो वो करो, तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य है। सबने पलट के पूछा कि भाई जब संजय निरुपम का ही भविष्य नहीं तो हमारा क्या भविष्य हो गया। फिर भी मैं आज अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोग आना चाहते हैं, कई लोग नहीं आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की भूमिका जब तय होगी तो सब आएंगे, लेकिन अभी जिसको जहां रहने का मौका है वहीं पर रहे और जिसको आना है आए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता किसी भी नेता पर मेरा कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। का मर्जर हुआ, अब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग कंपनियों का मर्जर होता है तो उसके बाद जो कंपनी बनती है वो भी लॉस मेकिंग होती है। पहले बीआईएफआर में होते थे, अब एनसीएलटी में जा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये शरद पवार की पार्टी क्या, हमने भूषण स्टील है, शिवसेना क्या है, वो सेंट्रल मुंबई का जो बंद पड़ा टेक्सटाइल मिल है, मिल की बिल्डिंग खंडहर के तौर पे पड़ी है, मिल के नीचे पुराने मशीन भी पड़े हैं, बेचारे कपड़ा मिल के मजदूर भी है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है, बिहार के चीनी मिल की तरह है, गौरवपूर्ण अतीत है। बिहार में जाएंगे, छपरा में जाएंगे, सारण में जाएंगे, सोनपुर में जाएंगे, लोग बोलेंगे कि जबरदस्त यहाँ पे शुगर मिल हुआ करता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खंडहर हो चुका है। तो एक खंडहर हो चुकी पार्टी, एक खंडहर हो चुका मिल, बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मिल और भूषण स्टील की तरह एनसीएलटी में बिका हुआ एक एक तीसरी पार्टी। तो ऐसी तीन पार्टियों के सम्मेलन की वजह से, और तीन पार्टियों के हालत क्या होता है, जब जब एक एक कंपनी जब बंद होती है ना तो छीना झपटी चलती, जिसको जो मिलता है वही बेच के उसको मोनेटाइज करता रहता है। जब एक कंपनी जब बंद होने सिक हो जाती है तो उसमें से कोई पार्ट बेचता है, कोई जमीन बेचता है, बिल्कुल उस तरह के हालात हैं। और ऐसे में एमबीए एक बहुत ही कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है इस समय यहाँ पे, क्योंकि उनके पास सही फैसला लेने का कोई भी समझ नहीं, कोई भी जानकारी। अभी खरवास का महीना चल रहा है, कुछ मत पूछिए, अभी कोई शुभ नहीं होने वाला। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। क्या समझिए, और जो लोग ये समझ रहे होंगे कि अब संजय निरुपम की ओबिचुरी लिख दी जाए, उनको 4 जून को बड़ी भारी निराशा हो सकती है। मैं आज ही उनको सावधान कर देना चाहता हूं। रह गई बात हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बहुत दिनों से हल्ला है कि संजय निरुपम नाराज है, आ सकते जा सके छोड़ सकते जा, तो पापा है जो घर से बाहर नहीं निकलता, लोगों के बीच नहीं जाता। ऐसे जंग लगे हुए नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जिले में दबाव डाला, तुम जाओ मत, ये करो वो करो, तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य है। सबने पलट के पूछा कि भाई जब संजय निरुपम का ही भविष्य नहीं तो हमारा क्या भविष्य हो गया। फिर भी मैं आज अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोग आना चाहते हैं, कई लोग नहीं आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की भूमिका जब तय होगी तो सब आएंगे, लेकिन अभी जिसको जहां रहने का मौका है वहीं पर रहे और जिसको आना है आए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता किसी भी नेता पर मेरा कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। जो नेतृत्व है वो जब आपकी बात नहीं सुनता है तब आप बाहर जाते हैं, तब आप पब्लिक में जाते हैं, खड़गे जी के पास जाइए,
तो सिर्फ सुन करके रह जाते हैं, वन वे ट्रैफिक है वहां पे। दूसरा जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। बाकी ऊपर जो तीनों मिलते ही नहीं किसी से, तो बताओ क्या करेगा इंसान। और जो मैं कर रहा हूं वो पार्टी को जो मैं कर रहा था वो मैं पार्टी को बचाने के लिए कर रहा। और जिनका आपने नाम लिया वो पार्टी को बचा रहे हैं क्या? जिस तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ खिलवाड़ किया गया उसमें कहीं से लगता है कि पार्टी के बचाने का प्रोग्राम था? वो अभी बता देंगे आपको। इंडिपेंडेंट चाहे नहीं लड़ेंगे, इतना चिंता मत करिए। जो जय श्री राम करना किसी पार्टी से नाता होता है क्या? भगवान राम हिंदुस्तान के प्राण है। राम के जो मूल्य है, राम के स्थापित मूल्य है, उन मूल्यों पर आधारित हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का समाज है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का, जो हिंदुस्तानी है वो राम के मूल्यों में विश्वास करता है।